Hello students, so in this video we are going to discuss the kite poem. Dekho, the kite poem mein hai kya? It is a very simple poem. So dekho, all of us like to fly kites. To jitne bhi boys hai na, sabko I guess kite chalana ya udana acha lagta hi hoga, right? Have you ever tried to fly one? Kya aapne kabhi ek kite ko fly karne ki koshish ki hai? Udane ki koshish ki hai? Read this poem about kite. ये poem ना kite के बारे में है, as it flies in the sky, कैसे kite जो है वो sky में उड़ती है. Now see, how bright on the blue is a kite when it's new. जब आसमान में पतंग उड़ती है तो कितनी सुंदर लगती है ना. Bright on the blue मतलब कि ब्लू स्काई में जो बहुत ही साफ आसमान है, ब्लू कलर का है, एंड उसमें जब एक काइट उड़ती है, जब न्यू काइट उड़ती है तो कितनी सुंदर लगती है. विद अ डाइव एंड अ डिप, गोते खाती है ना काइट, कभी ऊपर नीचे जाती है, कभी ऊपर जाती है, कभी नीचे जाती है. इट स्नैप्स इट्स टेल्स, अपनी टेल अपनी पूंछ को भी हिलाती है, क्योंकि काइट की तो एक इस तरीके से क्या होती है, पूंछ होती है ना. तो काइट क्या करती है, अपनी पूंछ को हिलाती है जब वो ऊपर नीचे हवा में उड़ती है, आसमान में उड़ती है. देन सोर्स लाइक अ शिप, एक शिप की तरह गोते लगाती हुई जाती है. विद ओनली अ सेल, एज ओवर टाइड्स, जितनी टाइड जैसे लहरें आती हैं समुद्र में, ऑफ विंड इट्स राइड्स, वैसे ही जब हवा की लहरें आती हैं ना, हवा बहुत ज़्यादा हवा चलती है तो विंड में ये उड़ती हमें दिखाई देती है, बहुत अच्छे से उड़ने लगती है जब हवा चलती है तो. क्लाइम्स टू द क्रेस्ट ऑफ अ गस्ट एंड पुल्स, तो ये क्या करती है, क्लाइम भी करती है ना, कभी इधर जाती है कभी उधर जाती है. जब हम इसको खींचते हैं तो नीचे हो जाती है काइट, जब हम इसकी ढील छोड़ देते हैं तो ये उड़ने लगती है. देन सीम्स टू रेस्ट एज वन फॉल्स, और जब हवा बंद हो जाती है तो काइट नीचे ज़मीन पे आ जाती है और वो रेस्ट करने लगती है. वेन स्ट्रिंग गो स्लैक यू वेंट इट बैक, जब आप स्ट्रिंग को ढीला छोड़ते हो तो ये वापस हवा में उड़ने लगती है. एंड रन अंटिल अ न्यू ब्रीज ब्लोस, और तब तक ये हवा में उड़ती रहती है जब तक एक दूसरी हवा का झोंका नहीं आता है और इसको इधर उधर जो है वो साइड में नहीं कर देता है, क्योंकि पतंग जो होती है ना, जब एक स्ट्रेट लाइन में उड़ती है तो एकदम से विंड चलती है तो पतंग भी इधर उधर डोलने लगती है. नेक्स्ट इज एंड इट्स विंग्स फिल एंड अप इट गोज, अपने पंख फैलाती हुई ये काइट ऊपर की तरफ चलती जाती है जब न्यू हवा इसके साथ टकराती है. हाउ ब्राइट ऑन द ब्लू, कितनी सुंदर लगती है ये आसमान में, नीले आसमान में, जब काइट न्यू होती है. बट अ रैगडर थिंग यू विल नेवर सी व्हेन इट फ्लैप्स ऑन अ स्ट्रिंग इन द टॉप ऑफ अ ट्री, बट देखो अगर टूटी फूटी खराब जो पतंग है वो आप कभी भी देखना पसंद नहीं करोगे ना, उसे कभी उड़ाना पसंद नहीं करोगे. अगर आपको कटी हुई पतंग भी मिलती है तभी हम क्या सोचते हैं कि वो एकदम न्यू हो, राइट? बहुत सुंदर पतंग हमें दिखती है एकदम साफ़ सुथरी, जिसमें कोई भी कट या होल नहीं होता, तो हम फटाफट उसको लेने की कोशिश करते हैं एंड उसको उड़ाने की कोशिश करते हैं कि वो हमें मिल जाए एंड हम उसे उड़ा लें. बट यही आपको गंदी फटी हुई पतंग दिखे कहीं पे या पेड़ पे भी लटकी हुई दिखे तो भी आप उसको इग्नोर कर देते हो, आप उसको लेना पसंद ही नहीं करते, उसको देखना ही पसंद नहीं करते. तो इट्स ऑल अबाउट द काइट पोम, एंड किसने लिखी है काइट पोम, हैरी भेन. सो और वीडियोस देखने के लिए चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो एंड वीडियो को लाइक कर दो एंड बेल नोटिफिकेशन दबाना ना भूलना, ताकि आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल